हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मक्के के आटा और मेथी का बहुत ही क्रिस्पी नाश्ता। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, तो चलिए बनाते हैं मक्के के आटा और मेथी का स्वादिष्ट नाश्ता। नाश्ता बनाने के लिए हमने 2 कप मक्के का आटा लिया है। वेट में ये 250 ग्राम है। इसे हम एक मिक्सिंग बाउल में डालेंगे। हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये हमने आधा चम्मच अजवाइन क्रश करके लिया है, इसे डालेंगे। और नमक डालेंगे, नमक आप अपने टेस्ट अनुसार डालें। अदरक और हरी मिर्च को कूट कर हमने पेस्ट बना लिया है, एक चम्मच इसे हम डालेंगे। और एक चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे। अमचूर पाउडर से ये बहुत ही चटपटा हो जाता है। हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच रिफाइन ऑयल। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हींग। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। जाड़े में मक्के का आटा खाना लोग बहुत पसंद करते हैं। अब हम इसमें डालेंगे आधा बाउल कटा हुआ हरा धनिया। ये 100 ग्राम मेथी के पत्ते को हमने बारीक काट लिया है, इसे हम डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मक्के के आटे और मेथी का नाश्ता बहुत ही टेस्टी होता है। अब हम इसे हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा लगाएंगे। इसे हम अच्छे से गूंद लेंगे, जैसे हम रोटी का आटा बनाते हैं। इसे हमें अच्छे से गूंदना है। ये आटा हमारा तैयार हो गया है, इसे हमने अच्छे से गूंद लिया है। अब हम इसे इसी तरह 5 मिनट रख देंगे। इसे थोड़ा सा आटा लेंगे और इसके हम बड़ी बड़ी इस तरह से लोइयां बनाएंगे, मोटी। मक्के का आटा बेलने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम इसका मोटा मोटा रोटी जैसा बनाएंगे। अब इसमें हम सूखा आटा लगाएंगे मक्के का। आप इसमें गेहूं का सूखा आटा भी लगा सकते हैं और इसे हम बेलेंगे। ये किनारे किनारे फट जाता है, इसलिए इसे हमने पतला रोटी जैसा बेल लिया है। अब इसे हम कट करेंगे। इसके कॉर्नर हम निकाल देंगे। इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। इसके कॉर्नर हम निकाल देंगे। इसे हम इस तरह से बना लेंगे। इस तरह से हम सारे निकाल लेंगे। इसी तरह से हम गोल भी बना सकते हैं। इसमें हमने आटा लगा लिया है, इसे हम बेलेंगे। हम इसके नीचे थोड़ा सा आटा डाल लेंगे तो ये बेलने में आसानी हो जाएगी। इसे हम पतला कर लेंगे। इसे हमने बेल के बड़ा कर लिया है। ये मक्के का आटा है, इसलिए ये कॉर्नर पे फट रहा है। अब हम एक इस तरह का ग्लास लेंगे या फिर छोटी कटोरी भी ले सकते हैं और इसे हम कट करेंगे इस तरह से। अब हम इसे कॉर्नर निकाल देंगे और इस तरह से पूड़ी जैसा छोटा छोटा बन गया है। ये हमने गोल और चौकोर बना लिया है, इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। हमने गैस पे कढ़ाई रखा है, इसमें हमने तेल डाला हुआ है। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम ये पूरियां डालेंगे। और इसे हम फ्राई करेंगे।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब इसे हम पलट देंगे, ये हम थोड़ा थोड़ा दबा देंगे तो ये अच्छे से फूल जाएगा। ये हमारा अच्छे से फूल रहा है, इसे हम पलटते जाएंगे। ये हमारा हो गया है, ये अच्छे से फूल गया है, ये हमारा हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। अब इसमें हम ये चौकोर भी डालेंगे। ये हमारा हल्का ब्राउन हो गया है, अब इसे हम निकाल लेंगे और बाकी के भी हम फ्राई कर लेंगे। ये हमारा मक्के के आटे और मेथी का नाश्ता बनके तैयार हो गया है। ये बहुत ही क्रिस्पी बना है और बिल्कुल फूला फूला है। आप इसे हरी धनिया की चटनी, टमाटर सॉस या फिर इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ सर्व करें, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। आप इसे बनाएं, खाएं और अपना अनुभव कमेंट करके हमारे साथ शेयर करें। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।